और गाजीपुर जखनिया से जहां थाना कोतवाली हुसनपुर गांव में चली लाठियां। मिली जानकारी के अनुसार दो पट्टीदारों के बीच चक्रोट को लेकर हो रही कहासुनी धीरे धीरे गाली गलौज में तब्दील हो गई और लाठियां पत्थर चलना शुरू हो गया। लाठियां चलने के बाद कई लोग घायल हो गए। घायलों में वीरेंद्र गिरी पुत्र हरिनाथ, डिम्पल उर्फ नंदलाल पुत्र वीरेंद्र गिरी, अक्षय गिरी पुत्र वीरेंद्र गिरी को काफी चोटें आई। आनन फानन में 112 नंबर पर डायल किया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर दोनों पक्षों को थाना कोतवाली भुरकुड़ा लाई, जिसमें तीन लोगों को काफी चोटें आने के कारण स्वास्थ्य विभाग जखनिया ने गाजीपुर के लिए रेफर कर दिया। विवाद का कारण दरवाजे से जाता हुआ चक्रोड है, जिसे हुसनपुर ग्राम सभा के प्रधान राम प्रसाद निराला चक्रोड फेंकवा कर अपने घर चले गए थे कि देर शाम दोनों गुट चक्रोड को लेकर आपस में भिड़ गए। घायल पक्ष के लोगों का कहना है कि रोड सीधा है, दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि जो पुराना रोड है वही नक्शे में है, इसी को लेकर विवाद हुआ। जबकि ग्राम सभा हुसनपुर के प्रधान ने बताया कि जो रोड फेंका जा रहा है वही नक्शे में है। हालांकि गांव वालों के कहने के अनुसार इसे कई बार लेखपाल माप चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रोड रुका है जिसके कारण विवाद हुआ है। वह संतोष गिरी का द्वार है, जिस पर लोगों का कहना है कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसी को देखते हुए ग्राम प्रधान राम प्रसाद निराला ने चक्रोड वहीं रोक दिया। इसी को लेकर देर शाम सुजीत गिरी उम्र 22 साल, रामेश्वर गिरी 30 साल, पप्पू गिरी 35 साल आदि लोग विवादित जमीन को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी करने लगे। यह कहासुनी लाठी डंडे में तब्दील हो गई, जिसमें तीन लोगों को काफी चोटें आई। तीनों लोगों को गाजीपुर सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं SI श्रीराम यादव द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेज दिया गया है। जखनिया से कमलेश यादव की रिपोर्ट। तो कानून करी ना जब मरने पहले हा। वो आई नापी होकर हो हमारे आदमी आ गए घर। तो बता रहे हैं कि नेपाल नापा नेपाल आला तो कच्ची फरमाइश करके गया तारे ओका पासबुक बन के आई तो ओका पक्की जो एतु होई नपैया होई जहां कानून नाप के देई हमार एक बिसा सात धूर आबादी द्वार का कागज में हा। ये लोग हमारे जबरदस्ती से कागज में का कहतों का कुछ ना हमारे कागज में कानून देखा था। ये लोग मन ने कहा कि जबरदस्ती आई आगे का रास्ता काट के हमारे द्वार पर हो जाते। हमारे खटिया कहाँ रही, हमारे गोरू चौका कहाँ। यह है कि आयले नकपाल मन्ने का गया ये पर कुछ ना ये पर भी अच्छा चलत कानून। तो आखिर नकपाल जब मना किया तो मन्ने का गया पुलिस भी मन्ने कर रहा हमें आदमी भी कर रहा ये जबरदस्ती से वो आगे रास्ता छोड़ के अपने से रास्ता प्रधान भी मन्ने का गया ठीक है प्रधान हम प्रधानों का मन्ने का कानून गया ला तब वो ये जबरदस्ती है ठीक है। जब हम क्या गाड़ी दिया हमने हाँ? हम बोला था हाँ? जैसे यहाँ प्रधान वो आए थे नेपाल नापने हाँ? के लिए ना हाँ, प्रधान भी आए रहे होंगे हाँ, मन्ने करके गए तो मन्ने करके गए तो फिर प्रधान रोड कहाँ कैसे फेंकवा दिए यहाँ प्रधान कहा कि उतने फेंकाई धना फेंकाई इधर हमारा तोड़ के फेंका जबरदस्ती से जाता हूँ सबका रास्ता बंद कर दो कि हम के निकले ना दे तू हमके अब जबरदस्ती से ऐसे। कमलेश यादव नेशनल खबर 9 हम दिखा रहे हैं आपको इस समय हुसनपुर गांव में आए हुए हैं। जरा सा आप देखिए रात में झगड़ा हुई है और किस कारण हुई है हम पूछ रहे हैं इसको। अच्छा आपका क्या नाम है कैमरामैन जोर से बोलिए। हाँ कहते कि हमारे दुआरे पर ये कानून मानने का गला रहा है पर ये मामला चलता है और यही वजह खाते के लोग जबरदस्ती हमारे घर में लोग नारा आगे का रास्ता प्रधान दिया वो के छोड़ के हमारे दुआई पर लोग भी लगा जैसे लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से रास्ता यहाँ नहीं नहीं देखिए वो दे रास्ता यही देखिए आइए वो रास्ता फेंका लिया अपने रास्ता वीडियो ले ला वैसे टीवीएल के वैसे घर के पीछे ही रास्ता आई है जो कल नहीं नहीं मैं बताऊं करा ना कहाँ रास्ता है बताइए। ये रास्ता ही अगल इधर बगल ये हमें दुआई पर रास्ता नाला रास्ता तो दिख रहा है उधर से वहाँ तक यहाँ नहीं नहीं वो तो रास्ता है ना। कैमरा घुमाइए कैमरा घुमाइए देख लेना है पुल डाले कैमरा घुमाइए नहीं वो रास्ता नहीं देखिए ये एक रास्ता फेंकी गई है जो यहाँ आके रुक गई है और आगे एक रास्ता है दूसरी रास्ता पुरानी दिख रहा है इधर रास्ता दिख रही है लेकिन यह रास्ता खत्म हो चुकी है। अब पूछने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि रोड कहाँ है। अब उनके दरवाजे से होते हुए रास्ता
निर्मल प्रधान जी ने फेंकवा रहा है, फेंकवाते हुए आगे रोड जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं रोड कहाँ जा रहा है। फिर झगड़ा क्यों हुई? ये सामने जो जमीन छोटी थी, जब रोड छोटा घर का है, उस पर आबादी का मेरा दीवानी केस चल रही है, 12 बरस से चल रही है। लेकिन इस समय मानवता के नाते सब लोग हम लोग कहे कि 12 बरस से चल रही थी जमीन छोटा गाड़ी में, हमने फेंकवा दिया थोड़ी दूरी आगे। फिर हमारे भाई का पुराना मकान पड़ता है वहाँ पर, एक किस्सा था दूराबादी, उसके द्वारा बस उतना ही है, उसी में सूते बैठे खरीद गाय किया, उतना ही उसकी ज़मीन है। लेकिन उसको जब ये लोग गए तो उस पर नपवाए थे, तो उसका फाइल बुक बना, फिल बुक, तो वो कहे कि जब नप जाएगा तो तू जहाँ जाएगा कहाँ बनवा देंगे। तो उसके लिए पूरे नपा था, हाँ नपा था, नपा था। तो नापने में कौन कौन आया? अच्छा, नापने में कानून गो साहब आए थे, एक उनका पन्ना राम आए थे। अच्छा, जब कल रोड फेंका गया, कल या परसों में जो फेंका गया है, यह रोड जब फेंका गया तो उस समय कोई झगड़ा नहीं हुई? नहीं, इस रोड पर तो हम जगरी थे कि किसी तरह से फेंक देंगे। यहाँ फेंकने के बाद उसके दरवाजे तक गया तो हमको कहा कि कोई बात नहीं, उधर जो जिस पर मामला चल रहा है उस पर ही जबरदस्ती फेंक रहा है साहब, उसका तटबंधा तोड़ के फेंक दिया है, तटबंधा भी तोड़ के फेंक दिया। एक औरत रहती है, उसका मर्द रहता नहीं, एक लड़का उसका पढ़ता, उसको फेंक करके इसने कहा कि जो है कहा नाम से कि उसको हम रास्ता बनाएंगे, इधर भी बना लिया उधर भी बना लिया, हमारे दूरबीन के बल पर। वो सार्वजनिक रास्ता नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नया 28 धारा करके जिस पर मामला किए हैं, 28 धारा करके जबरदस्ती फेंक रहा है साहब। वो जो द्वार का रास्ता बंद है, हाँ, वो रास्ता पे जहाँ जहाँ दरवाजे पर क्या मुकदमा चलता है? हाँ, मुकदमा चल रहा, उस पर मामला चल रहा है आज। अच्छा, ये मामला कहाँ चल रहा है? एक तो हमारा सैदपुर चल रहा है, वही सैदपुर चल ही रहा है। हाँ, इस समय के ठंडिया में भी ये 4-5 महीना के पहले। अच्छा, जब ये झगड़ा हुई तो यहाँ का 100 नंबर आई थी? हाँ, कल 3 गाड़ी आई। 3 गाड़ियाँ आई? हाँ, एक तो बगीचा में थी, 2 गाड़ी हमारे दरवाजे पर थी। क्या कहेंगे वो? बस उनसे पूछ करके हमारे दरवाजे पर नहीं आए, उधर से उधर चल गए। एक हमारे बच्चे पुलिस है, रेलवे पुलिस है, वहाँ खड़ा थे, उनसे कहा आप भी गाड़ी में बैठे, वो भी बेचारे गाड़ी में बैठ करके सीधे चल गए। उनको अभी बंद किए हैं, अभी तक नहीं छोड़े। तो आरपीएफ के जवान? हाँ हाँ, आरपीएफ। और उनको थाने में अभी तक रखा गया? हाँ, रखा गया, अभी तक रखा गया। रात का मैं छुड़ाने गया था ढेर लोग, तो उनको कोई चोट भी आई है क्या? नहीं, उनको चोट लगी है, ईटा का लगा है कहीं चोट, लेकिन यह जो रूप में थे कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, उसको झगड़ा वो बचा ही रहे, लेकिन उसी पर 2-4 डंडा खा गए हैं, टूटा टूटा कुछ नहीं। सर, विपक्ष का कहना यह है कि आप लोग पिस्टल और बंदूक ले गए? हमारे पास, मेरे पास बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक है, वह बंदूक थाने में जमा है, उसकी रसीद मेरे पास है, आपको चाहेगी तो रसीद देख लीजिएगा, जब चाहेगी तो रसीद देख लीजिएगा, थाने में जमा, यही थाने में। आपके पास पिस्टल भी है? पिस्टल कहाँ से रखेंगे साहब, ये अच्छे बंदूक रख लेंगे गाड़ी में, जमने पिस्टल कहाँ से रखें? बंदूक है, अभी थाने में जमा, जमा जमा। खबर 9, मैं आपको दिखा दूँ कि यह झगड़ा किस रूप में और कैसे हुई है। यह रास्ता आई है मेन रोड पीछे से, कैमरा दिखाइए भाई उधर, यह रास्ता आई है पीस से और यह इस तरह से कट के जा रही है, बस रुक लग और यहाँ आके रुक गई। बस फर्क इतना है, मुझे लग रहा है कि 20-25-30 मीटर की दूरी है, और इतना हटाना है, चाहे अब यहाँ आए रोड चाहे ये आए। अब तो ये नक्शे में देखने के बाद, कागज में देखने के बाद ही मालूम होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस ज़मीन पर मुकदमा भी चल रहा है। आपका राम जी नाम है जी? अच्छा, क्यों झगड़ा हुई शाम को? ये झगड़ा ये हुई, हम लोग बैठे थे यहाँ पे, हाँ, और ये चक्रूट फेंक गया था, हाँ, ये जो कागज़ में चक्रूट है, अवैध कब्जा ये लोग करके रखा है, और ये मुकदमा चल रहा है 15 साल से। प्रधान जी नपवाए हैं, नपवाने के बाद में ये जो प्रधान जी 2 दिन चक्रूट फेंकवाए, बीच में रोके हुए हैं और चक्रूट फेंकने नहीं दे रही है, जबरदस्ती कर रहा है। प्रधान आके फेंकवाए थे? हाँ। ग्राम कौन है आपके यहाँ का? ग्राम प्रधान हुसनपुर, ग्राम प्रधान हुसनपुर, निराला राम। यहाँ आए थे रोड? यहाँ पे मौके पे 100 नंबर पुलिस भी आ चुकी है, यहाँ के पुलिस वाले लोग कह के गए, कानून मना करके गए। अच्छा, फिर भी रोक दिया गया? हाँ, फिर भी चक्रोट रोक दिया गया। तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? रोड झगड़ा कुछ नहीं, हम लोग कटबन्ना बांध के रखे, कटबन्ना बांध करके, और जो है यहाँ पे पूरा गोल बटोर के 10 लोगों को बुला के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आदमी घर आई है ना, बैठे नहा रहे हैं, कोई चड्डी पहन रहा है, कोई कपड़ा नहा रहा है,
और यहाँ पे आके ऑटोमेटिक आके आक्रमण कर दिए और असलाह भी दिखा रहे हैं। हाँ, असलाह भी दिखाया गया। हाँ, असलाह भी दिखाया गया। लाइसेंस की बंदूक है, पिस्टल है, कट्टा है, कुछ नहीं। ठीक है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।